की जो मूल अधिष्ठात्री देवी है वह श्री राधा है और उनका ही वहां पर साम्राज्य है। इसलिए कहा वृंदाटवी नव निकुंज ग्रहाधिदेव्या। इस अधिदेवी की आज्ञा का सभी लोग पालन करते हैं, यहां तक कि जो उनके प्रियतम हैं, पति हैं, वे भी उनके आज्ञावर्ती बनते हैं। वैसे रस की उपासना के देश में जो धीर ललित नायक होता है वह यदि नायिका के अधीन नहीं होता है तो रस की संपूर्ण निष्पत्ति नहीं होती है, ऐसा रस शास्त्रकार मानते हैं। यहां पर सर्वोपरि महत्वशील परात्पर तत्व होकर के भी रस के देश में वे अपनी प्रिया के अधीन है, उनको स्वामिनी बना दिया है और आप उनकी आज्ञानुसार चलते हैं। स्वामिनी क्या आज्ञा देती है? स्वामिनी वे आज्ञाएं देती हैं जो प्रियतम के सुख में अनुकूल होती हैं, उनके सुखानुकूल होती हैं। अपना श्रृंगार करके वे करा के प्रसन्न नहीं होती हैं, वे प्रियतम का श्रृंगार देख करके प्रसन्न होती हैं। सखी अभिलाषा करती है कि मुझे आप आज्ञा देंगी कि जाओ सखियो लाल के लिए मुकुट बना के लाओ, तब मैं मुकुट बनाने में प्रवृत्त हो जाऊंगी। कौन सा मुकुट बने, स्वर्ण का, मणिमय? बोले नहीं, इन वस्तुओं से प्रियतम को रुचि नहीं है, प्रियतम तो बन की वस्तुओं को ज्यादा पसंद करते हैं और बन की वस्तुओं में भी मयूर नाम के पक्षी के जो पर हैं, पंखे हैं, जिन्हें हम मयूर चंद्रक कहते हैं, वे उनको अत्यंत प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? इस विषय में अन्य कवियों ने बड़ी उत्प्रेक्षाएं की हैं। एक कवि कहता है, मोर सदा प्यू प्यू करत नाचत लख घन श्याम, तासों ताकी पांख हु सिरधारी घन श्याम। मोर सदा प्रियतम का नाम लेता है। मोर की वाणी आप सुनते हैं, आप तो वृंदावनवासी, वो अपने भाषा में मधुरता में म्याओ म्याओ प्यू प्यू बोलता है। और जब श्रावण के महीने में जल भरे हुए बादल आ जाते हैं तो नवनीरदों का अवलोकन करके वो अपने प्रियतम का दर्शन करके थिरकने लगता है, नाचता है। नाचत लखी घन श्याम, यहां देख करके नाचने का अर्थ प्रीति में है। घनश्याम से, काले बादलों से उसकी सहज प्रियता है, प्राकृत प्रियता है। इसलिए ऐसे प्रेमी की पंखों को, उसके पंखों को श्याम सुंदर ने सिरोधारी किया। प्रेमी उनको प्रिय है, उसे हृदय में बसाते हैं अथवा सिर पर स्थान देते। एक अन्य किसी विद्वान ने उत्प्रेक्षा की, भगवान की सृष्टि में जो 84 लाख प्राणी हैं, ये सब नर्मदा समागम करके ही संतति उत्पन्न करते हैं। मयूर ही एक ऐसा प्राणी है, ऐसा देहधारी है जो नर्मदा के समागम से रहित है। तब ये गर्भ कैसे धारण करता है? बोले जब ये घनश्याम का दर्शन करके वन प्रांत में थिरकता है, बारंबार अपने पंखों को लहराता है, रोमांचित होता है और इसके नेत्रों से आंसू ढलकते हैं, प्रेम के अश्रु, तब मयूरियां जो उसे चारों तरफ से घेरे रहती हैं, कोई भाग्यशाली मयूरी उसके अश्रु बिंदु को अपने चंचु में धारण करके उदरस्थ करती है और गर्भवती हो जाती है। ऐसा पवित्र देहधारी जिसने कभी इस सुरत क्रिय स्पर्श भी नहीं किया है, चिंतन भी नहीं किया है, जो तन पवित्र है, जो मन से पवित्र है, हाँ? देहधारियों में ये दोष ही तो माना गया है। काम काम, जिसे गीता में भगवान ने कहा, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। तो क्रोध को, लोभ को तो छोड़ो पीछे, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं, पर इसमें काम जो है वो सबका मूल है, इसको तुम बिल्कुल मार डालो, इसको परास्त ही करके मत छोड़ो। जय शत्रु महाबाहो
तुम बड़ी भुजाओं वाले शूरवीर हो, इस काम को मार दो। काम को मारने में केवल एक ही समर्थ हुआ, जिसे भगवान शिव कहते हैं, उसको भस्मसात कर दिया। अरे कामदेव जब लड़ने के लिए वो आमादा हुआ, उल्लसित हुआ, भागा भागा फिरा, किससे लड़ूं किससे लड़ूं, नारद से भेंट हो गई। नारद ने कहा हम तो भीख मांगने वाले बाबा जी हैं, हमको तो बख्श दो। तो बोले हमको सूरवीर बताओ, हम कहां जाएं लड़ने के लिए। बोले तो तुम चले जाओ ब्रजमंडल वृंदावन, वहां किससे लड़े। और वहां पर आनंद कंद श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, उनसे लड़ो। अच्छा, आया वहां पर भी अपने धनुष की टंकार किया, ताल ठोका, मुस्कुराते हुए नंदनंदन ने कहा चाहते क्या हो। बोले मेरी भुजाओं में खुजाल हो रही है, मैं लड़ाई लड़ने आया हूं। स्वीकार, पर ये बताओ कौन सी लड़ाई लड़ोगे, मैदान की लड़ोगे कि किले की लड़ोगे। बोला ये तो हम दोनों नहीं समझते हैं, समझाओ हमको कि मैदान की लड़ाई क्या होती है, चौड़े मैदान में खुले, और किले की लड़ाई क्या होती है। तो भगवान ने कहा देखो, जब मैं अपने स्वरूप में स्थित होकर के ध्यान मुद्रा में बैठ जाऊंगा, उस समय तुम अपना उछल कूद जो करना हो सो कर लेना, ये तो किले की लड़ाई है। हाँ? जैसे तुमने नर नारायण के साथ की थी। बोले अच्छा तुम ये भी जानते हो। बोले हाँ ये भी जानते हैं। तो वो तो किले की लड़ाई थी, वहां तुम कुछ नहीं बिगाड़ सके उनका। तो ऐसे मैं बैठ जाऊं तब तुम कर लो अपनी उछल कूद जो कुछ करना हो, नारियों को लाओ, अप्सराओं को लाओ, पुलिस फूल के बाण फेंको मेरे ऊपर, मेरे भीतर घुस जाओ, सब कुछ कर लो। और मैदान की लड़ाई क्या होगी। बोले जिस समय मैंने ब्रजवालाओं के साथ में शरद की चंद्रका मई रात्रि में एकांत में और सत्रह सहस्रशः रूपवती गुणवती ब्रजवालाएं होंगी, उनके साथ में बद्धभाव होकर के जब नृत्य करूंगा, गलबहियां दूंगा और गंडम गंडे सन्दत्यादात तांबूल चर्वितम, मेरे कपोल से उनके कपोल मिले होंगे, मेरे चर्बित मुख तांबूल को वो अपने अधरों से अधर मिलाकर मुझसे ग्रहण कर रही होंगी, ऐसी स्थिति में तुम अपना प्रहार मुझ पर कर लेना, ये मैदान की लड़ाई होगी। उनका इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा है, ये तो हमारे पास जो पांच बाण है इसके पास तो सैकड़ों बाण है इस तरह की, उसी अवसर में हम प्रयोग करेंगे। तो जब आया राज के उपक्रम के प्रसंग में, तो श्री कृष्ण की उस छवि को देखते ही विमूर्छित हो गया। वो तो मर जाता, बिल्कुल सदा के लिए हम लोग निष्काम हो जाते, बड़ा अच्छा होता, बाबा जीयों का तो बहुत फायदा होता, पर सृष्टि का क्रम बंद हो जाता। रति आई, अमृत डाल करके मुख में उठा के ले भागी, तो बचा रह गया। शिव जी ने बड़ी कृपा की कि अब तन से तो ये प्रकट हो नहीं सकता है क्योंकि जल गया, पर ये मन से जो होगा, इसकी मन में उत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए ठाकुर को कहा जाता है कि कोटि कामला पुण्य बिहारी जाहि देखे सब दुख न संत, ऐसे रसिक श्री हरिदास के स्वामी ताकों भरने आई, मिली हसंत एरी माई कुछ गढ़ुआ, जोबन मोर कंचुकी बसन लय ढाप राखो बसंत, ये गुण मंदिर रूप बगीचा में बैठी है मुकल संत, कोटि काम लावण्य बिहारी जाहि देखे सब दुख न संत, ऐसे रसिक श्री हरिदास के स्वामी ताकों भरने आई मिली हसंत। तो वृषभानु नंदिनी के सुख के लिए, अपने मित्र श्री वृषभानु राय की प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए वृंदावन में विविध प्रकार के कुंज निकुंजों का निर्माण, नव निभृत कुंज का निर्माण, ग्रहादि देवी की आज्ञा हो रही है, दासियों के लिए मुकुट लाव बना करके। सखियों ने कहा काहे का मुकुट बना मैं। बोले मयूर पंख का बना मैं, क्योंकि वन की प्रत्येक वस्तु प्रियतम को बहुत प्यारी होती है। आगे भी श्लोक आप शायद सुन चुके हैं कि दृष्टि व चंदक मती व चमत्कृतांगी वेण ध्वनिम कुचिन शम्य च बलांगी श्या श्याम सुंदर गुणैरनुगीयमानैः पीता परिस्वजतु मां वृषभानुपुत्री। वृषभानुपुत्री
चंदक मती व चमत्कृतांगी, जिस समय मयूर पंख उनकी दृष्टि में आता है प्रियतम के रूप साम्य से उस बने हुए उस चंद्रक को देख करके रोमांचित होती हैं, उनका अंग चमत्कृत हो उठता है, प्रेम का प्रभाव उनके अंगों में प्रकट हो जाता है। और वेणु ध्वनिम कुछ निशम्य चा, यदि कहीं वेणु वादन हो गया और उसको सुन लिया तो वे बेहवला हो जाती है। और श्याम सुंदर का कोई नाम गुण लीला गान करता हुआ दिख गया तो उस पर अपने आप को न्यौछावर कर देती, अभिलाषा करती है सखी कि ऐसा सौभाग्य मुझको भी कभी मिलेगा क्या, कि मैं कोई सी प्रियतम संबंधी सेवा संपन्न करूंगी और प्रिया मुझे अपनी दोनों कोमल भुजलताओं में लपेट करके अपने बक्षस्थल से लगा लेंगी, प्रीता परिस्वजतु, प्रीति पूर्वक मुझे अभिलाषा पूर्वक हृदय से लगा लें, ऐसा सुख सौभाग्य का दिवस क्या मेरे इस जीवन में नहीं भावी अन्य जीवनों में भी क्या आ सकता है। वो इसलिए आज मुकुट जो बना वो बना यद्यपि स्वर्ण मणिमय ही होगा परंतु उसमें चंद्रक की प्रधानता है, निर्माय चारु मुकुटम, इसलिए उसको चारु संज्ञा दी, ये परम सुंदर मुकुट है। इसलिए कि नवचंद्र किरणें नई नई मयूर चंद्रिकाओं से निर्मित हुआ है, एक वस्तु नहीं नहीं और भी कुछ। तो गुंजाभी आरचित हारम, गुंगचियां बटोरी छोटी छोटी, आज गुंजामाला के नाम से जो ठाकुर को धारण होती हैं, राधा वल्लभ जी हमेशा गुंजामाला पहनते हैं, आपाद लंबनी एक माला जो उनके चरणों से लेकर के सबसे अंतिम माला होती, छोटी बड़ी अनेक मालाएं तो होती ही है कंठ से लेकर हृदय देश और जानू पर्यंत, पर एक माला ऐसी होती है जो अच्छी मोटी होती है और उसको बड़े रचपच के बनाते हैं, उससे भी गुंजा माला ही कहते हैं। शायद उसमें बहुत से पुष्प गूंथित होते हैं, ग्रथित होते हैं, पुंज का पुंज होता है, इसलिए उसको पुंजा माला और गुंजा माला बहुत निकट के शब्द बन गए हों। पर गुंजा घुंगची को कहते हैं, जिसको रत्ती भी कहते हैं लोग, स्वर्णकार लोग उससे स्वर्ण तोलते हैं, वो अपने रूप में आकार में और सब गुणों में सब दाने उसके एक से होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते हैं, इसलिए वो तोल के काम में आती है। उसकी एक और विशेषता है, उसके दो रंग होते हैं, एक श्वेत वर्ण की होती है वो काफी बड़ी होती है और एक अरुण वर्ण की होती है। जो अरुण वर्ण की होती है उसका बिंबा जैसा रंग होता है, जैसे कि अधरों से जिसकी उपमा दी जाती है, और प्रेम का वर्ण अरुण माना गया है। एक रोज हमने चर्चा में कहा था ना कि पीत वर्ण प्रेम का होता है, अनुराग का जो वर्ण होता है वो भी अरुण होता है, पीत में सात्विकता की झलक मानी जाती है, श्वेत तो सात्विक है ही है। तो श्वेत वर्ण की एक होती है और एक रक्त वर्ण की होती है, अरुण वर्ण की होती है, उसका संपूर्ण बपु प्रेम का है, पर उस प्रेम बपु गुंजा का मुख श्याम होता है, एक बिंदु जैसा उसके जहां पर उसका अंकुर भीतर होता है उस स्थल में वो श्याम वर्ण की होती है। तो जिसके मुख पर श्याम है और इससे अधिक उसका गुण क्या होगा, जिसका बपु अरुण है अनुराग का है और जिसका मुख श्याम वर्ण का है, श्याम उसके साथ जुड़ा हुआ है, अथवा श्याम न कहो कृष्ण कह दो, काले के लिए श्याम और कृष्ण शब्द का प्रयुक्त होता है। तो ऐसी गुंजा एक नहीं अनेकों गुंजाओं को गूंज करके जो माला बनाई गई है, यहां पर अनेकों मालाओं का भी अर्थ हो सकता है और एक माला का भी अर्थ हो सकता है। इस प्रकार की माला जो अपने सौंदर्य के द्वारा दूसरों के सौंदर्य को मानो न्यून ठहरा देती है, वृंदाटवी नवनिकुंज ग्रहादि देवी श्री राधा वृषभानु नंदिनी के द्वारा आज्ञा दिए जाने पर सखी ने निर्मित किया,
यहां अभिलाषा के रूप में प्रकट करते हैं। क्या ऐसा कभी सुयोग प्राप्त होगा कि मुझे आप तब जब आप प्रियतम के साथ उनके नव निकुंज देश में विराजमान हैं, अपने प्रियतम की प्रसन्नता के लिए उनकी आभूषणों की रचना का आदेश देंगी और मैं बना करके ऐसी प्रिय वस्तु जो आपको प्रिय है, इसलिए प्रिय है कि वो प्रियतम को प्रिय है। प्रेम के साम्राज्य में स्वसुख और अपने सौंदर्य आदि सब धर्मों को स्वभावों को छोड़ करके प्रेमास्पद की प्रीति के लिए जीवन होना, ये प्रेम का तात्पर्य है, प्रेम की उत्तमता है, प्रेम की श्रेष्ठता है। ऐसी एक अभिलाषा के साथ इस श्लोक में जो भावना रचनाकार ग्रंथकार महानुभाव ने प्रकट की है, समय के साथ यहीं पर विश्राम दें इसको। अगला श्लोक दूसरा आ रहा है, सो आप कल श्रवण करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय जय श्यामा जय श्री श्यामा जय श्यामा श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। जय श्री राधा।